Hey guys, एक और न्यू वीडियो के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। तो जैसे ही हम अपनी टैक्स की क्लासेस लेने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन के अंदर सबसे पहला नाम आता है टैक्स के गुरु यानी कि बीबी सर का। लेकिन साथ के साथ मन में ये भी आता है कि क्या हमें राजकुमार सर की क्लासेस लेनी चाहिए बीबी सर की क्लासेस के साथ। तो आज इस वीडियो के अंदर उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि मुझे राजकुमार सर की क्लासेस कैसी लगी। देखो, अगर सबसे पहले बात करें बुक्स के बारे में तो सर से टोटल दो बुक्स आती हैं। एक है कंपाइलर, जिसके अंदर बेसिकली चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, और दूसरी बुक है थ्योरी वाली बुक। एक्चुअली सर ने उसका कुछ नाम नहीं दिया तो अपने उसको थ्योरी वाली बुक ही बुलाएंगे। तो वो सारी बुक्सों से स्टैंड आउट इसलिए करती है क्योंकि उसके अंदर सर ने पेजेस दे रखे हैं नोट्स बनाने के लिए, और साथ ही साथ आपको पिक्चर दे रखी है नोट्स के रेफरेंस के लिए। तो हाँ, बुक ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। अगर सबसे पहले बात करें लेक्चर की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में तो सर से टोटल 33 लेक्चर आते हैं और हर लेक्चर ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स का है। और सर की कोर्स की फीस 5000 है अगर आप सर के लेक्चर अलग से लेते हो, बट अगर आप सर के लेक्चर बीबी सर के लेक्चर के साथ लोगे तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 10,000। तो ये सब रही बेसिक की बातें। लेकिन अब अगर बात करें कि मुझे सर के लेक्चर में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, तो सबसे दो चीज़ें जो मुझे सर के लेक्चर में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, एक तो है कि सर जो आपको GST पोर्टल में लेके जाके जो मस्त ज्ञान देते हैं ना, उसमें मजा आ जाता है। और दूसरी चीज़ जो सर आपको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कराते हैं। अगर बात करें नेगेटिव्स के बारे में तो सबसे पहला नेगेटिव जो मुझे लगा कि सर से एक चार्ट आता है जिसके अंदर सारी की सारी GST की समरी होती है, और सर ने 33 लेक्चर में से 10 लेक्चर उस चार्ट को डिवोट किए हैं वो चार्ट समझाने के लिए, जिसके वजह से सर के स्टार्टिंग के लेक्चर बहुत ज़्यादा स्लो लगते हैं और लास्ट के लेक्चर बहुत ज़्यादा फास्ट। और दूसरी चीज़ जो मुझे नेगेटिव पॉइंट में मैं ऐड करना चाहूँगा वो है, सर क्लास में आपको नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं देते। सर क्लास में अपने नोट्स प्रिपेयर करके लाते हैं और आपको क्लास ख़त्म होने के बाद वो नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है नोट्स बनाने में। तीसरी सबसे ख़राब चीज़ मुझे लगी कि सर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी पे इतना फोकस नहीं कराते। तो ओवरऑल मुझे सर के लेक्चर ठीक ठाक और एवरेज लगे। तो विद डैट बींग सेट, हम वीडियो यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप ऐसे क्यों बैठी हैं? कोई परेशानी है क्या? क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है बेटा, भूख से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। शाबाश कहने जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वहाँ देखो, वहाँ बेकरी है, जाकर खरीद लो आंटी।